महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सियासी संग्राम में है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता फराग खान ने बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम से खास बातचीत की। महाराष्ट्र में सियासत पल पल बदल रही है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासत बदल रही है पल पल, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र को जो सियासी संकट थी रिजल्ट के आने के बाद, उसका समापन हो चुका है। हमारी सरकार बन चुकी है, अब हमें सिर्फ सदन के पटल पे अपने बहुमत को सिद्ध करना है। और मुझे पूरे यकीन है कि हमारे पास नंबर है, जब भी हमारे आदरणीय राज्यपाल जी या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, जिस दिन भी हमें आदेश होगा, हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे सदन के पटल पे। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी, नोटिस जारी किए गए हैं, तो क्या लगता है कि ये मामला बढ़ेगा या मामला ये निपट जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का पालन हमारा कर्तव्य है, करेंगे। लेकिन जहां तक नंबरों का खेल है, हमारे पास नंबर है, हम कॉन्फिडेंट हैं और हम यकीन है और हम विश्वास है कि हम अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे कम्फर्टेबली, जो अपने आप ही सियासी संकट का समापन कर देगा। ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अभी भी इसमें है कि शायद नंबर नहीं है हमारे पास, तो वो सदन के पटल पे क्लैरिटी आ जाएगी उनको भी। कांग्रेस का साफ कहना है कि रातों रात राष्ट्रपति शासन हट गया, फिर शपथ ले ली गई, तो पूरी तरीके से पूरा छल कपट है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो इतिहास जाके देखिए, आपको सिर्फ एक काला पन्ना दिखेगा। जिस तरह से उन्होंने हर तरह के गलत काम किए, हमने तो सिर्फ वो काम किया जो करना चाहिए था। पिछले एक महीने से स्टेलमेट था, वहां पर कोई सरकार बनने की स्थिति नहीं उभर के आ रही थी। हमारे पास बहुमत नहीं था, शिवसेना के जब नापाक इरादे ने जो वहां के जनादेश का अपमान किया, तो हमारे पास बहुमत नहीं था। तो हमारे को बुलाने के बावजूद हमने अपने दावे नहीं ठोके और हमने कहा कि हम नहीं बना सकते सरकार। अब माननीय राज्यपाल जी को पास जब हम उनके पास गए, जब हमारे पास बहुमत हो पाया, तो उनका कर्तव्य है कि इलेक्शन में जाने से और प्रेसिडेंट रूल हटाने से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं उनको सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, तो उन्होंने दिया, उसमें क्या गलत है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं फराह खान, R9 TV, दिल्ली।